أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين رب العالمين طلابي عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآن فهمي کے سلسلے دروس میں ہم مخارج کے مباحث کے آخری مرحلے میں انشاءاللہ داخل ہو رہے ہیں. ہم نے اس سلسلے میں بحث تمام کی ہوئی ہے, لیکن لازمی سی بات ہے, جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے, کہ کسی بھی معاملے میں, خاص کر زبان دانی کے معاملے میں, بار بار ڈرل کرنی پڑتی ہے, دہرانا پڑتا ہے, اعادہ کرنا پڑتا ہے, اور جتنی بار پریکٹس کی جائے اتنا ہی زبان پر صحیح مخرج کے ساتھ حرف چڑھ جاتا ہے. لہذا آج ہم داخل ہو رہے ہیں مشق کے اندر, جس میں ہم ان حروف کی خاص طور پہ جن کا مخرج اردو اور ہندوستانی زبانوں کے مخرج سے مختلف ہے, ان میں مشق کریں گے. تو مخرج اگرچہ ہم نے پڑھا ہے, لیکن اچھی طرح سے کانوں کے ذریعے سے ذہن میں بیٹھنے کے لیے ہم دیکھیں گے کہ مخرج ذہن میں کیسے بیٹھے گا, اور کس طرح ہم بھی پہچان سکتے ہیں, معرفت ہو سکتی ہے مخرج کی بہتر طور پر. میں نے یہاں ایک قاعدہ لکھا ہوا ہے اس سلسلے میں. یہ قاعدہ ہے, مخرج کی معرفت کے لیے, اذا اردنا معرفت مخرج حرفین فإنا نسکنه ونسبقه بحمزتین محرکتین ثم نلفظه فحیث انقطع الصوت فهو مخرجه. آپ دھیرے دھیرے, آپ کو بھی عربی زبان سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, تو میں اگرچہ ساتھ ساتھ میں معنی بھی بتایا کروں گا, تو آپ ان معنی کو ذہن میں بٹھا دیجئے, تاکہ بعد میں آگے کے دروس میں جو قرآن کی زبان سمجھنے میں آسانی کے لیے سہولت پیدا ہو جائے. اذا جب کے, جب کبھی کے, اگر اردنا ہم ارادہ کریں, اگر ہم ارادہ کریں گے کس چیز کا, معرفت مخرج حرفین, کہ ہم معرفت حاصل کریں گے, پہچان حاصل کریں گے کسی حرف کے مخرج کے بارے میں, پس ہم کیا کریں گے, فَإِنَّا نُسَكِّنُهُ, پس ہم اس حرف کو ساکن کر دیں گے, یعنی اس پر
जज़्म लगा देंगे वलनुस्बिकहु, और उससे पहले साबिक में एक हरफ और लिखेंगे, और वो कौन सा हरफ है? बेहमज़तें मुहर्रकतें, एक हमज़ा जो कि हरकत वाला हो, हरकत वाला हमज़ा हो। यूँ तो हमज़ा हमेशा हरकत वाला ही होता है, लेकिन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है इस तारीफ़ के अंदर, इस कायदे के अंदर, इसलिए कि ख्याल रहे कि अलिफ या मुहर्रक होता है, हरकत वाला होता है तो वो हमज़ा है, अगर हरकत वाला ना हो तो वह हरफ मदी है। इसीलिए कुछ जो मखरज के उलमा हैं, तजवीद के उलमा हैं, वो हुरूफ तहजी की तदाद अक्सर बेशतर 28 बताते हैं, अगरचि कुछ लोग अलिफ और हमज़ा को अलग अलग करके 29 हुरूफ तहजी की तदाद बताते हैं, जैसा कि मैं पहले कह भी चुका हूँ। बहरहाल वनुस्बिकहु, इससे पहले हम लगा देंगे क्या चीज़? बेहमज़तें मुहर्रकतें, एक हरकत वाला हमज़ा, हरकत वाला यानी ज़बर हो, उस पर ज़ेर हो या उस पर पेश हो। सुम्मा नुलफ़िज़ हो, उसके बाद उसको हम अल्फाज की शक्ल देंगे, लफ्ज़ की शक्ल देंगे, और लफ्ज़ की शक्ल देके हम उसे बयान करेंगे, ज़ुबान से अदा करेंगे। नुलफ़िज़ हो यानी लफ्ज़ के तौर पर बताएंगे, सुम्मा नुलफ़िज़ हो, फिर हम उसे लफ्ज़ के तौर पर ज़ुबान से अदा करेंगे, और जब अदा करेंगे तो जो ही हम इस सुकून पर पहुँचेंगे उस हरफ की जिसका हम मखरज पहचानना चाहते हैं, जिसका हम मखरज जहन में बिठाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, आवाज़ टूट जाएगी सुकून की वजह से, जज़्म की वजह से। फ़हैसो, फिर जब इन्क़ता अस्सौत, जब टूट जाएगी आवाज़ जब टूट जाएगी सुकून की वजह से, तो वो उस वक्त जो आवाज़ आपके कानों में पड़ेगी, सुनने वाले के कानों में भी पड़ेगी, फहुआ मखरजो, पास वही उस हर्फ का मखरज होगा। मेरे ख़्याल में आप समझ रहे होंगे। जब कभी हम इरादा करेंगे कि पहचान लें, जान लें किसी हर्फ का मखरज, तब हम उसे सुकून देंगे और उससे पहले लगाएंगे एक हमज़ा मुहर्रका हरकत वाला, सुम्मानुलफिज़ हो, फिर हम उसको लफ्ज़ में बयान करेंगे, लफ्ज़ में अदा करेंगे ज़ुबान से। फ़हैसो इन्क़ता अस्सौत, फिर जब आवाज़ टूट जाएगी, तो जब टूटी हुई आवाज़ आपके कानों में आएगी टूटते टूटते, तो फ़हुआ मखरजो, वही उस हरफ का मखरज होगा। हम मिसालें देंगे कई एक हरूफ की, और ये मिसालें आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जहन में बिठा दें। जहन में बिठा देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, लिख भी सकेंगे आप, बल्कि लिखना बेहतर भी होता है कई सूरतों में, याद रखने के लिए और वक्ती ज़रूरत काम आने के लिए, क्योंकि नसियान इंसान के जहन में होता ही रहता है, भूल जाते आदमी, इंसान की यानी मिजाज में, इंसान की खमीर में नसियान है और ख़ता है, तो इस चीज़ को काबू करने के लिए लिख के रखे आदमी मुख्तलिफ नोट्स असबाक के, तो वक्त ज़रूरत काम आते हैं। एक लफ्ज़ में लिखता हूँ, ये मैंने पहले एक हमज़ा लगाया, अलिफ के नीचे ज़ेर है, तो यानी ये हमज़ा मुहर्रका है, और हमें हमज़े की आवाज़ जो है वो पहचानी है, हमज़े का मखरज जानना है, तो इसलिए उसको साकिन करेंगे, तो इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे ए तमना, यानी हमज़े में एक हिचकी जैसी पैदा हो जाएगी, ए आगे चलने से पहले आवाज़ टूट गई, जिस वक्त ये टूट गई, जो आवाज़ कानों में बैठ गई बोलने वाले के भी और सुनने वाले के भी, तो वही हमज़े का मखरज है। इसकी कुछ और मिसालें लिखेंगे,
एतलाफुन एतलाफुन या एतलाफ जो ही ए कहेंगे हमजे पे साग सुकून है, लिहाजा सदा टूट जाएगा, तोड़ना पड़ेगा, सदा को सीने में बंद करना पड़ेगा। और जब दोबारा हम बाकी लफ्ज़ पढ़ेंगे तो नए सिरे से शुरू करना होगा। ए तमना ए तलाफ, इसी तरह से ए तलफा ए तलफा ए तलफा ए तलफा ए तलफा, ये था हमजा का मखरज। ए यानी हिचकी जैसी निकलती है, तो हिचकी वैसी वाली आवाज़ जो है चूँकि हरूफ हलक में से है और अक्सर हलक से इसका मखरज जो है वहाँ से अदा होता ही इसकी सज़ा, तो लिहाजा इस हरफ हलक को अक्सर हलक से यानी आखिरी गले से आखिरी हलक से अदा किया जाता है। जब अदा करेंगे तो एक हिचकी जैसी पैदा होगी हो जाएगी इस सुकून की वजह से, तो ये इसका मखरज है और जहन में बैठना होगा। अब हम मिसाल के तौर पर सा हरूफुल लिथविया में से हरूफुल लिथविया हरूफुल लिथविया हरूफुल लिथविया ने लिस से जो हरूफ अदा किए जाते हैं ज़ुबान से, तो इसमें से कुछ हरूफ हैं तो उनके बारे में बात करेंगे। ये सा है, सा में अस्काल अस्काल आसकाल 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 यानी वजन, बहुत सारे वजन। आसकाल जमा है सकल की, आसकाल आस आसकाल हम आमतौर पर यहाँ असकाल पढ़ते हैं जो कि सही नहीं है, वो गलत है, वो मखरज इसका है ही नहीं, तो इसको असल में सही तौर पर जब पढ़ना होगा तो हम आसकाल कहेंगे। आसकाल जैसे मेवों का नाम अरबी में है, मेवों के लिए लफ्ज़ आसमार आसमार, इसकी वाहिद है समर समर आसमार समर आसमार आसमार, जब हम कहते हैं तो गोया हमने सा का मखरज अदा किया। आस जुबान की नोक जो है वो ऊपर वाले दांतों के लिसा के साथ लगाते हैं, लिसा यानी मसोड़े जहां मिलती है दांत और मसोड़े उस जगह के साथ। इस तरह आसबता 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 आसबत और आस कबा आस कबा आस कबा आस कबा आस कबा के बाद इस्नान इस्नान यानी दो इस्नान इस्नान यानी दो या इस्नैन एस नाइन ये सा का मखरज पढ़ रहे हैं हम सा सा। अच्छा इसके बाद हरफ हलक जिसमें हमें अक्सर मुश्किल पेश आती है और वो है हा, मिसाल के तौर पर हम पढ़ेंगे अहमद 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 मद दाल कलकल के साथ आह आह गले में बहुत फूंक भरनी है और एक पफ ऑफ एयर की सूरत में बाहर निकालना है, ये जो हवा जमा हो जाएगी गले में इसको बाहर निकालना है, तो इस तरह से हा का मखरज है, हा की आवाज़ पैदा हो जाएगी अहमद अहमद। और इसी तरह ऐसा दूसरा लफ्ज अहमर अहमर यानी लाल लाल रंग लाल रंग अहमर 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 अहसन 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 अहसन, जब कोई अच्छा काम करता है हम कहते हैं अहसंत 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 नहीं वो तो हा है अहसंत 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 अहसन। इसी तरह एहतमल एहतमल एह तमल एह एह तमल एह तमल
और दूसरा लफ्ज एह तखर, एह तखर, एह तखर यानी जमा किया हुआ है गला, गला जमा किया है ताकि उसको ज़्यादा कीमत में बेचा जाए। गलादार ऐसा करते हैं, हम कहते हैं एह तखर, उस शख्स ने गला जमा किया ताकि ताकि महंगे दामों बाद में बेचे। ऐसा ही दूसरा हर्फ है हलक, हलकिया, हरूफुल हलकिया में से खा, खा ये अदना, अदनल हलक से निकलता है, यानी इब्तिदा में से ही आख, 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 जैसे आखरज, 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 आख, आख, आखरज, आखरज, वो निकला आखरज, आखरज, अखज़र, अखज़र यानी सब्ज, अखज़र सब्ज। इख्तमा, इख, इख्तमा यानी ख़त्म किया, इख्तमा, इख, इख्तमा, इख्तमा। अख़सर, अख़सर घाटा उठाया, अख़सर, अख़सर उसने घाटा उठाया, नुकसान हुआ उसको। अखबरा, अखबरा उसने खबर दे दी, अखबरा, अखबरा उसने खबर दे दी। तो ये खा का जो मखरज है ये है। फिर हम आते हैं हरूफ लिसवाया में से दूसरे हर पर जिसको दाल कहते हैं, दाल, 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 हम आमतौर पर इसको दाल कहते हैं, ये सही नहीं, दाल, दाल, ये बात, ये हर्फ से ही इस तरह से बोलना नहीं है, दाल हरूफ, जैसे एज, एज, एज कौला, एज कौला, या किसी को कहो, किसी को कहेंगे चलो जाओ, या गया जाओ, एज हाब, एज हाब, चलो जाओ, एज हाब, एज हाब, आज हबा वो चला गया, आज हबा, या इसी तरह आज कार, जिक्र, जिक्र का जमा, जिक्र का जमा आज कार, आज कार, आज कार, आज कार, जिक्र, 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 आज खरा, आज खरा, आज खरा, आज खरा, उसने याद दिलाया, आज खरा, आज खरा, आज, आज, आज खरा, आज खरा, उसने गुनाह किया, आज उसने गुनाह कराया, आज नबा, आज नबा, आज नबा। तो ये था दाल। यहाँ मैं मुनासिब समझता हूँ कि उन चार हरूफ के बारे में हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जिनका मखरज एक जैसा है, हालांकि वो मुख्तलिफ मखरज से हैं, लेकिन हम यहाँ उनको एक ही मखरज के तौर पर पढ़ते हैं, और ऐसा दुरुस्त नहीं है, ये सही नहीं, ये गलत है। इनमें से एक है दाल। दूसरा जो हरफ है वो है हरूफ असलिया में से, और वो है ज़ा, 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 ज़ा। नीचे वाला जो जबड़ा है वो थोड़ा सा बाहर निकालना है, और ज़ुबान की टिप जो है, ज़ुबान का सिरा, वो नीचे वाले जो इंसिज़र्स हैं यानि सनाया सुफला, उनके किनारे के साथ लेके ज़ुबान के सिरे को पहुंचा के, लगा के नहीं, पहुंचा के वहाँ तक ये पढ़ना है हरूफुल असलिया, असलिया सीन से असलिया। तो हम कहेंगे आज़राका, 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 या आज़राक, आज़राक, या आज़राका, आज़राका, आज़राक, नीले रंग को हम कहते हैं अरबी में आज़राक, आज़राको, आज़राको, आज़राक, आज़राको,
फूलों के फूलों का जमा है अजहार, 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 अजहार। आपको मैं याद दिला दूं ये जो हरूफ असलिया है ज़ा सीन और स्वाद, ज़ा सीन और स्वाद, ये इनका मखरज एक ही है। ज़ुबान का किनारा सनाय सुफला के पास लेके, उनके किनारे के पास लेके, नीचे वाले सामने वाले दो दांत जो हैं उनके किनारे पास, किनारे के पास ज़ुबान को लेना है और ये हरूफ अदा करने हैं। लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है और साउंड मुख्तलिफ, आवाज़ मुख्तलिफ निकालती है। ये जो ज़ा है, ज़ा की आवाज़ को हम कहते हैं बजिंग साउंड, बजिंग साउंड यानी आप समझ रहे हैं ना, बजिंग साउंड। जैसे बैल बजती है कभी तो वही साउंड जो है ज़ुबान से निकलती है ज़ा पर। अगर हम ज़ा पर रुकेंगे तो कोई कहेगा कोई बैल बज रही है, अज 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 अजमना अजमना, ज़मान ज़मान, अज़का अज़का, बजिंग साउंड, अज़का अज़का, अज़का पाक पाकीज़ा हो गया, अज़का तज़किया शुदा हो गया। इज़ दवाजा, उसने शादी की, उसने निकाह किया, इज़ दवाजा, क्योंकि क्यों इसको हम कहते हैं इज़ दवाजा, क्योंकि निकाह को हम इज़ दिवाज कहते हैं अरबी में, इज़ दिवाज। तो ये ज़ा की आवाज़, सीन अगर होती है उसकी साउंड को हम, उसकी आवाज़ को हम कहते हैं हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड अंग्रेज़ी में कहते हैं हिसिंग साउंड। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, इस्लाम इस्लाम, मुस्लिमुन मुस्लिमुन, ये सीन की आवाज़ जो है ये अंग्रेज़ी में हिसिंग साउंड कहलाती है। तीसरा जो स्वाद है, स्वाद, स्वाद में ज़ुबान को रोल किया जाता है यानी गोलाई दी जाती है ताकि बीच में से हवा जब निकले तो एक सीटी सी बजेगी, तो इसकी आवाज़ जो है स्वाद की वो विस्लिंग साउंड कहलाई जाती है, विस्लिंग साउंड, विस्लिंग साउंड, स्वाद स्वाद। जैसे इस बेर इस बेर इस बेर आसहाब, इस इस बेर, एक होता है इस नहीं है, ये है इस बेर, इस बेर, इस बेर, इन्नल्लाहा मा सौबिरीन, इन्नल्लाहा मा सौबिरीन, सौबिरीन, इस बेर। इसी तरह जर्द रंग को जैसा इस कालीन का है, जर्द को असफर कहते हैं, असफर असफर नहीं, असफर नहीं, वो सीन बनेगा, असफर, विस्लिंग साउंड, असफर असफर असफर। सलाह, लोगों को आपस में कराना, कोई करेगा तो या उनकी इसलाह करेगा, हम कहेंगे असलहा, अस असलहा, 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 उसने सुलह कराई, उसने मामले को दुरुस्त किया, इसलाह की, असबहा असबहा, सुबह की, सुबह की यानी सुबह तक जिंदा रहा और सुबह की उसने, तो हम कहेंगे असबहा, सुबह तक, असबहा। तो ये स्वाद का मखरज जो है ये अस, ये जो ये इसका मखरज है। फहैसो इन कत्अ सौत, जब आवाज़ रुकेगी, कट जाएगी, टूट जाएगी, फहुआ मखरजो, तो उस हरफ का मखरज वही है, याद रखने की बात है। अच्छा, बहरहाल हम इन चार हरूफ की बात कर रहे थे, दाल आ गया, दाल
फिर जा आ गया दाल दाल, फिर जा आ गया जा, जहाँ से सीन भी निकलता है जा। तो आप जैसे आप तौर पर हम हरफुल हाफिया कहते हैं, हरफुल हाफिया, हरफुल हाफिया जो है ये जहाँ असल है, जड़ है ज़ुबान की, वहाँ से तालू की तरफ उठ के ज़ुबान से ये निकाला जाता है इसकी, ये इसकी सज़ा। तो ये वाद है, वाद नहीं, सॉरी, ये जो है ये किनारा है, ये अलहाफिया किनारा, तरफिया या अलहाफिया ज़ुबान का किनारा जो है। तो वो जो ये दांत है दाई और बाई, जिनको हम मोलर्स और प्री मोलर्स कहते हैं, इनकी जो मसोड़े हैं उनकी तरफ जाके या अपटर्न तो थोड़ा सा, तो वहाँ निकाल के आवाज़ निकाली जाती है। दाई तरफ से चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, बाई तरफ से चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, इख्तियार है। बाई तरफ से आसान है, दाई तरफ से मुश्किल है। जिसकी जो आदत बनी हुई है तो बाद में वही आसान रहती है। मेरी आदत है दाई तरफ से निकालना, जैसे माओ वो बे, ये थोड़ा सा मुंह को दाई तरफ लेना या बाई तरफ लेना, जैसी मर्जी। तो ये वाद है, वाद तारफिया, हरफु तारफिया। जैसे इल्तराब, तो हरफु नाते आइया पढ़ चुके हैं हम, हरफ नाते यह पढ़ चुके हैं। इल्तराब, या इसी तरह से आजमार, आजहा, ये ज़मीर की जमा है, आजहा, जैसे ईद उल अज़हा, आजहा। इज़ तारबा, इसी तरह से आज़ाफ़ा, वो ज़ाइफ हो गया, कमज़ोर हो गया, आज़ाफ़ा। चौथा हरफ इस कबील का जो हम एक ही जैसा पढ़ते हैं, हालांकि इनका अलग अलग मखरज है, वो है ज़ा। जो है ये हरफ़ लिथविया है, यानी ज़ुबान का सिरा जो है ये ऊपर वाले दांतों की जड़ जो है वहाँ जाके वहाँ ये हरूफ निकाले जाते हैं, एक सा, एक ज़ा और एक ज़ा। लेकिन ज़ा में एक फ़र्क है कि ज़ा उधर ज़ुबान का टिप ऊपर को उठता है, लेकिन सिरा जो है वो नीचे को आता है, और ये जो है ऊपर वाले दांत उनके नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो हम कहते हैं आलमा, फिर गोल करके, जैसे स्वाद में गोल करते हैं उसी तरह आज़लमा, उसने जुल्म किया, आज़मा, यानी उसने प्यास बुझाई, वो सेराब हो गया, आज़हरा, उसने जाहिर किया, आज़हरा। सुबहान रब्बी अल-अज़ीम व बिहज़ीम अज़ीम व बिहम्दे, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। तो ये चार हरूफ हैं जिनको हमने थोड़ा सा इनका मखरज पहचानने की कोशिश की, टाइम ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह लगता है कुछ हरूफ और बाकी रह गए, अगले दर्स में ये ख़त्म भी करेंगे, और इंशाल्लाह आगे कवायद तजवीज़ को भी उठाएंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन बहुत कोशिश कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ड्रिल कीजिए, तभी जाके आपके ज़ुबान जो है आपकी ज़ुबान पर इन हरूफ का मखरज बैठ जाएगा जहन में, और
ज़ुबान पर चढ़ेगा। जब ज़ुबान पर चढ़ेगा फिर कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। जैसा मैंने कि पिछले किसी लेसन में कहा था, लेवल ऑफ ऑटोमेशन पर आपकी ज़ुबान जो है उसकी हरकत आनी चाहिए, फिर कोई मुश्किल नहीं होती है। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।